Hi guys, welcome or welcome back to my channel. It's me, Ritishmita. So basically, this video is going to be a Meesho haul video. And this is my first time, जो कि मैंने, you know, Meesho से shopping की है. तो या मैं आपसे सारे products आपसे share करने वाली हूँ अभी. और you know, ये सारे products receive होते हुए, मतलब मुझे थोड़ा time हो गया है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे, you know, सारे products का review भी कर दिया जाए, ताकि you know, आप अगर वो सारे products खरीदने के बारे में सोच रहे थे या कभी खरीदेंगे तो आपको एक यू नो एक आइडिया हो जाएगा कि क्या कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट कैसा रिसीव हो सकता है, यू नो थिंग्स लाइक दैट. तो या हॉल के साथ साथ रिव्यू भी एक साथ करने वाली हूँ सारे प्रोडक्ट्स का. तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. और यू नो मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको कोई भी प्रोडक्ट कोई मतलब दूसरा या थोड़ा डिफेक्टिव ऐसा मिलने का चांस कम होगा. तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो बहुत कुछ स्किप कर देंगे. तो या वीडियो को एंड तक देखते रहिए. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो द फर्स्ट आइटम आई हैव रिसीव्ड इज दिस ब्यूटिफुल यू नो सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी सेट, और जो मुझे इस तरह के बॉक्सेस में मिला है. एंड या तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोडक्ट कैसा है. तो इस तरह का है और ये मुझे यू नो और ये मुझे 280 में मिला है. अभी शायद थोड़ा सा बढ़ चुका है 290 समथिंग ऐसा कुछ हुआ है. और उसके साथ आपको दो बड़े बड़े ईयरिंग्स भी मिल जाएंगे इस टाइप के. यस और इसमें आप देख सकते हैं इस पूरे सेट में नेकलेस हो या इयररिंग्स हो, पूरे सेट में आपको इस तरह के यू नो छोटे छोटे घुंघरू देखने को मिल जाएंगे. तो ओवरऑल दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. और ये आपके हर आउटफिट के साथ चला जाएगा, लाइक साड़ी हो, कुर्ती हो, इंडो वेस्टर्न आउटफिट हो, तो हर आउटफिट के साथ ये बहुत ही अच्छे से चला जाएगा. और इस पे स्ट्रिंग जो है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये एडजस्टेबल है तो इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और ये मोटा है तो आपको यू नो टूट जाएगा ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. या आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है. तो या दिस इज़, और मुझे ऐसा लगा था यू नो फोटो में, वहाँ पे सिर्फ एक ही फ़ोटो था, तो मुझे लगा था कि ये ईयरिंग्स थोड़ा यू नो छोटा यू नो मीडियम साइज़ का होगा, बट नहीं ये बड़ा है. बट कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे इससे, आई लव दिस ईयरिंग्स यू नो, तो मुझे अच्छा ही लगा. और ओवरऑल इसमें सारा यू नो मिरर वर्क है तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में. तो या बट इसके जो प्रॉब्लम्स लगी वो ये थी कि इसमें यू नो सारे घुंघरू होने के वजह से इसमें मुझे थोड़े कुछ कुछ जगह में घुंघरू मिसिंग मिले. लाइक ये तुम देख लो, इस पे इस होल पे आप यू नो आप घुंघरू देख सकते हो, लेकिन इसमें नहीं है. तो यहाँ पे भी कुछ मुझे नेकलेस सेट पे भी एक घुंघरू मिसिंग मिले हैं. तो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है इसमें. और जब मैंने इसे रिसीव किया तो बहुत सारे घुंघरू यू नो खोल कर ऐसे पड़े हुए थे. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, लगा लेते हैं यू नो थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, ऐसा कोई बात नहीं. लेकिन मुझे दो घुंघरू ना इसमें मिले ही नहीं. तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम इसकी. और ये जो आप चेन देख सकते हो ना, ये बीच बीच पे जो कनेक्टर है एक के बीच में गया, ये होल ये भी थोड़ा थोड़ा खुला हुआ था, तो इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स मिली. बट ओवरऑल ये दिखने में बहुत ही सुंदर है. और हाँ, एक प्रॉब्लम इसमें ये भी मिली मुझे, वो था इसका ये वाला पार्ट. देखिए आप देख सकते हैं या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कितना टेढ़ा है, यू कैन क्लियरली सी गाइस. ये वाला पार्ट मैंने जब रिसीव किया था ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा था. लाइक मैं लिटरली सोच रही थी कि यार मैं इसे कैसे पहनूंगी. तो मैंने क्या किया, इसे धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर उठाया. लेकिन अब इससे ऊपर उठाने की मुझे हिम्मत नहीं है, क्योंकि यू नो टूट सकता है, तो मेरा तो सारा पैसा गया. तो ये वाला प्रॉब्लम मुझे रिसीव हुआ दोनों ही ईयरिंग्स पे. ये देखिए ये भी टेढ़ा ही है. एक मिनट, ये भी टेढ़ा ही है, ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है. तो ये मुझे थोड़ा यू नो प्रॉब्लमेटिक लगा कि हाँ, मतलब
आप जब भी कोई चीज़ यू नो खरीदते हैं नया नया, तो आप सोचते हैं ना कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे अच्छे से रिसीव होगा, यू नो मैं पहनूंगी ना, वो वाली फीलिंग मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी, क्योंकि मैंने जब खोल के देखा तो ये बहुत ही टेढ़ा था। एक्चुअली इसका मेन रीज़न इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने ना ये पूरा ऐसे प्लास्टिक कवर में दिया था, तो ये पूरा मरोड़ के दिया एकदम। तो तब क्या हुआ, शायद ये तब यू नो मुड़ गया होगा। सो या वो था इसका मेन प्रॉब्लम। ओवरऑल मैं इसे अच्छी ही बोलूँगी, ओवरऑल अच्छा ही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मतलब घुंघरू मिसिंग मिला, दूसरों को ना मिले, ऐसा दूसरों को यू नो एकदम परफेक्ट भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये मैं यू नो ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इसे मत ही खरीदो, ए बिग नो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी। यू नो हो जाता है कभी, इट्स टोटली ओके। तो ओवरऑल ये काफ़ी बहुत ही सुंदर यू नो ज्वेलरी सेट है, आई लव इट अ लॉट। नेक्स्ट आइटम इज अगेन अ सिल्वर ज्वेलरी सेट, और ये एक चोकर ज्वेलरी सेट है, और ये माय गॉड ये कितना सुंदर है, मुझे सोच के ही यू नो मन में लड्डू फूटता है गाइस। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, यू कैन यू तुम देख लो बस, लुक एट दिस गाइस, ओ माय गॉड ये कितना ज्यादा सुंदर है, तुम पहले देख लो बस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको यू नो ऐसे घुंघरू मिल जाएंगे, यस, और ये भी आपको स्ट्रिंग एडजस्टेबल मिल जाएगा लाइक दिस, यस। ये देख लो, तो मैं दिखा दूंगी वैसे। और उसके साथ आपको ईयरिंग्स भी मिल जाएंगे, यस, जो कि स्टड ईयरिंग्स है, और ये भी कितने सुंदर है, यू कैन तुम देख लो बस। और इस पर कुछ यू नो टेम्पल जैसा कुछ डिज़ाइन है, और नीचे आपको घुंघरू मिल जाएंगे। तो ओवरऑल बहुत ही सुंदर है, और इस पर आपको यू नो फूल का आर्ट वर्क मिल जाएगा, डिज़ाइन मिल जाएगा। और ये सारे ना ऐसे कुछ ब्लू टार से ऐसे कुछ लाइन से बंधा हुआ है, और ओवरऑल ये बहुत ही सुंदर है। बट फिर से मुझे इसमें भी घुंघरू मिसिंग मिले, यस, इसमें भी ये तुम देखो बस। ओके, मैं शुरू से बताती हूँ, मैंने ये दो ज्वेलरी सेट ना एक ही सेलर से परचेस किया था, और ये दोनों ही मुझे ऐसे बॉक्स में मिले अच्छे से। पैकेजिंग तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, बट दोनों की यही प्रॉब्लम है कि दोनों में ही घुंघरू मिसिंग थे। इसमें भी कुछ घुंघरू यू नो खोल के ऐसे पड़े हुए थे, लाइक कुछ मतलब ऐसा लगा कि हाँ हमने ऐसे ही बच्चे तुम्हें भेज दिया, तुम पहनने के पहले इसे सब कुछ लगा लेंगे, थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ। बट इट्स ओके, मैं बस आई एम जस्ट किडिंग, ओके। बट ये वाली बात तो मैं किडिंग नहीं कर सकती कि इसमें भी मुझे घुंघरू मिसिंग मिले हैं। ये देखो तुम, ये होल देखो, नहीं है इसमें, इसमें देखो, इसमें भी नहीं है। वैसे ये मतलब ऐसे ही देखने में तो पता नहीं चलता है, बट यू नो अच्छा नहीं लगता है ना कि आप जब भी एक आइटम इतना पैसा खर्च करके यू नो खरीदते हो, तो अगर आपको खरीदते वक्त ही वो थोड़ा यू नो डिफेक्टिव लगे, तो किसको अच्छा लगता है यार किस। और उस ईयरिंग्स के जैसे ही इस ईयरिंग्स में भी प्रॉब्लम थी, ये बैंड है, देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा बैंड था। तो मैंने इसे यू नो मेहनत करके रिस्क लेके थोड़ा यू नो ऊपर कर दिया, बट अब हिम्मत नहीं है बस। हाँ ये थोड़ा सीधा रिसीव हुआ, गुड, एक तो काफ़ी है, एक तो अच्छा है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि हाँ अच्छी है, बट 99% मुझे 100% यू नो खुशी नहीं मिली ये दोनों प्रोडक्ट से, एक ही सेलर था, तो बस यही बोलना चाहूँगी। हाँ एक बात मैं और बोलना चाहूँगी दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैंने जैसे दिखा दिया कि ये यू नो दोनों सेट में ये स्ट्रिंग आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे ऐसे मैंने बोला था, बट ये दोनों ना आपस में कनेक्ट नहीं है, तो आप इसे जब भी पहनोगे ना तब इसे आपको ऐसे गांठ मारनी रहनी पड़ेगी हमेशा। तो आप समझ लो मतलब सपोज आपको कहीं पर यू नो भागा दौड़ी हो रही है, आप कहीं जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे गांठ मार के, अरे रुको रुको रुको, थिंग्स लाइक दैट। तो
मेरे ख्याल से ना सेलर को ये इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है. लाइक आप एडजस्टेबल दे रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि देना चाहिए, बट यू नो एडजस्टेबल होना तो ऐसा वाला होना चाहिए लाइक इसे आप एक आगे पीछे आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा वाला देना चाहिए ताकि यू नो ज़्यादा टाइम ना लगे पहनने में. क्योंकि आप एक नेकलेस पे ही इतना टाइम दोगे तो यू नो अच्छी बात नहीं है ना. तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए लेकिन इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का नहीं. अब यस एनी वेज मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट परचेज. दिस इज द स्कर्ट, पिंक स्कर्ट, यस, जो कि रेयन फैब्रिक में आपको मिल जाएगा और इसका प्राइस था अराउंड 262 रुपीस. एंड इस पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली गाइस. मुझे मैंने फोटो में जैसा देखा था मुझे ठीक सेम टू सेम वैसा ही रिसीव हुआ एंड आई एम लविंग इट अ लॉट. लाइक मैंने जब रिसीव किया मैं बस यही सोच रही थी कि यार मैं इसे ओ माय गॉड यार मैं इसे कितने तरीके से लाइक कितने डिफरेंट स्टाइल में स्टाइल कर सकती हूँ. आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड एंड एज यू कैन सी इस पे आपको वेस्ट पे आपको इलास्टिक के साथ साथ एक स्ट्रिंग बेल्ट भी देखने को मिल जाएगा. और ये वैसे मतलब इसका थोड़ी उसका ज़्यादा काम तो नहीं है, तो आप इसे निकाल कर किसी यू नो अलग डिफरेंट तरीके से भी स्टाइल कर सकते हो. तो या और इसमें ओवरऑल इसमें नीचे आपको गोल्डन और पिंक में यू नो आर्ट वर्क देखने को मिल जाता है प्रिंटेड. एंड ओवरऑल इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड इसका घेरा भी बहुत ही ज़्यादा है. लाइक गाइस मैं आपको दिखा दूँगी, वैसे इसका घेरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एक बात है कि आपको इसमें नीचे यू नो कपड़ा नहीं देखने को मिलता है. यस सिंगल है, अ लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट यू नो, बट यार 262 रुपीस में एथनिक स्कर्ट कौन प्रोवाइड करता है. लाइक ये ना प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है. तो यू नो ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इसमें आपको यू नो थोड़ा सा खुद ही आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा. लाइक आप इसमें नीचे कुछ पहन सकते हैं बॉडी हगिंग टाइप का, और या आप खुद का कुछ यू नो अगर आप सिलाई विलाई में एक्सपर्ट है तो आप नीचे इसमें कपड़ा भी लगा सकते हैं. बट हाँ ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लुक. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट परचेज आइटम, इट्स अ कॉम्बो पैक ऑफ टू पेयर ऑफ इयर रिंग्स. यस एंड ये मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ और कुछ इस तरह के पैकेट में दोनों थे और वो है दोनों हुप इयर रिंग्स हैं. लुक एट दिस गाइस, ये ऐसे वाले हुप इयर रिंग्स ना कितने ट्रेंड में है मैं तुम्हें बता नहीं सकती. लाइक तुम फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, पिंटरेस्ट खोलो, सिर्फ यही देखने को मिल जाएंगे. एंड मैं बहुत टाइम से इसे सर्च कर रही थी कि कहीं मिल जाए बस, बट प्राइस जो था इसका बहुत ही ज़्यादा हाई था एंड आई जस्ट कान इमेजिन, आई जस्ट कान बिलीव गाइस कि ये दोनों पेयर मुझे मीशो पे सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज़ में मिल गया, और वो भी इच नहीं, दोनों पेयर सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज़ में. एंड इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फ़ोटो में जैसा देखा था मुझे सिर्फ मतलब वैसा ही रिसीव हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड अभी तो इसका प्राइस भी कम हो गया है, 147 हो गया है ऐसा कुछ शायद. तो या अगर मैं बात करूँ कि इसे मतलब ख़रीदा जा सकता है या नहीं ओवरऑल, तो या ऑब्वियसली यार यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. और जस्ट तुम देखो यार कितना प्रिटी है ये, तुम्हें ऊपर नीचे सभी जगह पे पर्ल मिल जाएंगे. तो और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. लाइक तुम इसे मैंने रिसेंटली अभी कहीं पे पहन के गई थी मैं ये, और मैं इसे बहुत टाइम तक पहनी हुई थी, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने इतना बड़ा ये इयरिंग्स कान पे लगा के रखा है. और ये वाला तो और भी ज़्यादा लाइट वेट है, इसमें आपको शेल दिखने को मिल जाएंगे. शेल वाली इयरिंग्स ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट शेप में, डिफरेंट डिफरेंट साइज में ये बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं. तो मुझे भी मतलब बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि मुझे भी शेल वाले कुछ खरीद लेने चाहिए, इयरिंग्स हो कुछ भी हो, बट सो फाइनली मुझे ये मिल गया और वो भी यू नो इतने रीजनेबल प्राइस में. लाइक मैंने सोचा नहीं था, बट एनीवेज तो या डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, अगर तुम्हें पसंद आया है तो
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है. अभी नहीं खरीदोगे कह दूँ, अभी नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे यार. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट परचेस्ड आइटम, इट्स अ क्लोथिंग आइटम अगेन. यस, सो दिस इज द पैंट, दिस इज द ट्राउजर आई हैव रिसीव्ड इन वाइट, मतलब वाइट में चेकर्ड है. और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, लाइक लगता ही नहीं कि तुम इसे पहने हुए हो. बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है. और ये वैसे मैंने थोड़े टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम पहले ही इसे परचेस कर लिया था मीशो से, लेकिन तब मैंने सिर्फ सिंगल आइटम परचेस किया था. तो सिंगल आइटम का परचेस हॉल में मतलब क्या ही बनाऊँ, तो इसीलिए मैंने इसे रखा हुआ था कि चलो पहनते भी नहीं है और हॉल भी नहीं बनाते हैं, जब बाद में कुछ और आइटम्स खरीदते हैं एक साथ तभी मैं इसे दिखा दूँगी. तो या ये मैंने एक्चुअली बहुत ही पहले ही खरीद लिया था, लाइक मई अप्रैल ऐसे टाइम पे खरीद लिया था. पॉकेट्स भी देखने को मिल जाते हैं दो बड़े बड़े, तो आप इसमें यू नो रख सकते हैं फ़ोन वगैरह, सैनिटाइज़र नो रख सकते. बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ ताकि यू नो आपका शॉपिंग थोड़ा आसान हो सके और यू नो ट्रस्ट वर्डी हो सके मीशो के साथ. तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यू नो जब भी शायद मतलब जब भी खोल लेंगे आपका मीशो, तब आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जाना है. फ़िल्टर के बाद आपको रेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और रेटिंग पे जाके आपको एम ट्रस्टेड कर देना है सारे प्रोडक्ट्स को. उसके बाद आप परचेस्ड, मतलब उसके बाद आपको जो भी चाहिए आप आराम से खरीद सकते हैं. तो इससे क्या होगा, एम ट्रस्टेड वाला जो भी सामान है वही सिर्फ आपकी स्क्रीन पर आएगा. एंड इसका मतलब एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, जो एम ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स है ना वो सारे आपको मतलब 99% चांसेस यही होता है कि वो आपको सही सलामत मिलेंगे. मतलब फ़ोटो में आपको जैसा दिखाई मिला है आपको वैसा ही मिलेगा. यस, 99% चांस होते हैं कुछ मतलब डिफेक्टिव या कुछ और आ गया ऐसा होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम होता है. तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप जब भी आइटम्स कुछ खरीदें मीशो से, आप उस प्रोडक्ट को मतलब चेक कर लें वो एम ट्रस्टेड है या नहीं. सो या गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वाला हॉल वीडियो अच्छा लगा. और मेरे ख्याल से ना हॉल वीडियो ऐसा होना चाहिए जिससे ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले, कुछ वैल्यू मिले. तो मैंने इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स का एक साथ रिव्यू भी कर दिया ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा हो सकता है. वरना ऐसे ही हॉल वीडियो दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है. होप दैट यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड आई होप यू कम बैक इन टू माई चैनल. और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले एंड डू ऑल द गुड थिंग्स यू नो. एंड या आई विल सी यू माय नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे सेफ, स्टे फैशनेबल. बाय बाय.